हेलो इंडिया, मैं हूँ वंदना फ्रॉम सैम एंजर्स पुणे एकेडमी। पुणे में हमारी दो एकेडमी है, एक है स्वारगेट में और दूसरी है सांगवे में। आज मैं आपको हमारी जो पुणे की फैकल्टी है उनसे मिलवाना चाहती हूँ। एक है हमारे जीत सर जो स्वारगेट एकेडमी पढ़ाते हैं, थैंक यू, गुड मॉर्निंग इंडिया। और दूसरे है हमारे विशाल सर जो सांगवे एकेडमी पढ़ाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो जीत सर हैं, वो भी बहुत साल से सामंजस में काम कर रहे हैं। मुंबई में भी थे, वर्सोवा में भी थे, अब पुणे में भी है। मैं चाहती हूँ कि वो खुद अपना इंट्रोडक्शन भी करवाए और जो भी उनकी जर्नी है सामंजस के साथ में, तो वो भी बताए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पहले जीतू सर से पूछूंगी क्या लग रहा है। जीतू सर, कैसा लग रहा है आपको सामंजस में आके? या फिर मैं पहले तो ये पूछूंगी कि आप कहाँ से स्टार्ट किया है आपने? मैम, एक्चुअल में मेरे को सामंजस से जुड़े हुए 3 साल हो चुके हैं और मैं सबसे फर्स्ट एज द स्टूडेंट आया था। उसके बाद में सर ने मेरे में कुछ देखा, कुछ सोचा होगा सर ने मेरे लिए, इसीलिए उन्होंने मेरे को सबसे फर्स्ट टीचिंग स्टार्ट हुई थी मेरी डोंबिवली से। मैंने डोंबिवली में भी टीचिंग की है। उसके बाद में सर ने मेरे को वर्सोवा में भी मौका दिया टीचिंग करने का। उसके बाद दिल्ली भी भेजा मेरे को टीचिंग करने का। उसके बाद आपके साथ पिछले 1.5 साल से आपके साथ ही हूँ पुणे एकेडमी में। तो बहुत सबसे पहले तो मैं जय सर और सैम मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि एक मेरे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, उसके लिए दिल से थैंक यू सर एंड मैम। और बहुत अच्छा लगता है कि मैं सामंजस में एज द टीचर एज द फैकल्टी काम कर रहा हूँ। मज़ा बहुत आता है, तरह तरह के स्टूडेंट मिलते हैं, तरह तरह की लैंग्वेज से बात करने को मिलती है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है मेरे को और बहुत मज़ा भी आ रहा है। मतलब एक ऐसा लगता है कि मैं हूँ राजस्थान से, लेकिन यहाँ पर रहकर भी मेरे को एक फैमिली की कभी कमी महसूस नहीं हुई। सामंजस में यही एक खासियत है कि हर एक बंदा एक फैमिली के जैसा है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, 3 साल से हूँ और भगवान ने साथ दिया तो लाइफ टाइम काम करेंगे सामंजस के साथ। देखो आपको तो सर ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है और सर ने कुछ तो देखा होगा आप में, तो इसीलिए सर ने आपको लिया भी हमारी टीम में। बट सर ने देखो लेके भी आपको बस एक जगह पे नहीं रखा। सर हमेशा बोलते रहते हैं अगर सीखना है तो ट्रैवल करते रहो। आप जितना ट्रैवल करोगे उतना आप बहुत ज्यादा सीखोगे। तो सर ने आपको देखो पहले तो डोंबिवली, फिर वर्सोवा, फिर दिल्ली, अब 1.5 साल से तो आप पुणे में हो। तो आपको एक एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको ये ट्रैवलिंग का और हर एक जगह का भी आपको वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है फिर? और मैम बता रहा हूँ ना, मैं मतलब कि सर और मैम के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं वर्सोवा सर के घर पे रहा हूँ। तो अगर सैम मैम की बात करूँ तो चाहे मेरी माँ समझिए, चाहे मेरी बड़ी सिस्टर समझिए, मतलब कि जब भी वो आते थे तब मेरे को पूछते थे कि तू खाना खाया, सो जा, टाइम से टाइम मतलब ध्यान रखते थे मेरा। और जय सर भी आते थे कभी भी, तो वो भी एक बड़े भाई के जैसे बार बार मेरे को समझाते थे हर एक चीज के लिए, क्वेश्चन आंसर भी करते थे। रात को बहुत सी बार ऐसा होता था नींद में सो रहे होते थे हम, तब भी ऐसा होता था कि सर आते, सब जने उठते, उठते ही क्वेश्चन आंसर्स, सेबेसेस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड में डिफरेंस बताओ। तो मतलब एक अच्छा लगता था कि मतलब एजुकेशन सर और मैम का मोटिव ही यही है कि हर एक पर्सन को इतनी कम फी में एकेडमी चला रहे हैं और इतनी कम फी में, वो भी उनका एक मोटिव है कि हर एक को एजुकेशन मिले। जो बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अभी दूसरी एकेडमीज में 1-1 लाख रुपीज, 1.5 लाख रुपए फी है उनका, तो उस एवज में भी सर का एकेडमी का फी ओनली फॉर 30,000 है।
तो 30,000 में भी इतना कुछ देते हैं और सबसे बड़ी बात पूरी फैमिली दे रखी है। यस वो है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब हर एक चीज से सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट से यहाँ तक पहुंचे हैं और सपोर्ट मिला तो आगे तक जाएंगे। अभी काम तो सीख लिया है लेकिन सर से एक चीज और सीखना बाकी है, सर की एनर्जी। सर की एनर्जी अगर थोड़ी सी मिल जाए तो मजा आ जाए। ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 1% भी अगर सर की एनर्जी मिल गई ना तो बस जिंदगी सफल हो गई। सर तो हमेशा एनर्जी देते ही रहते हैं जीतू जी। मैं तो सर के साथ साल से काम कर रही हूँ, सर और मैम को देख रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारी एनर्जी रहती है उनमें और उनकी एनर्जी देखे हमारे तो हम पक्का कोशिश करेंगे कि महीने में एक बार तो सर पुणे आके हम तीनों को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी है सर आपको। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप महीने में एक बार आके पुणे में एकेडमी में आके बच्चों से भी मिले और एनर्जी भी दें, जो कि आपके बाद बहुत 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 ज्यादा पड़ी है। और मांगने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि बिना मांगे ही आप दे देते हो, फिर भी मांग रही हूँ। बोलते ना कितना भी मिले तो भरता नहीं है दिल, क्योंकि आपसे हम इतने जुड़े हैं और आप जितना हमारे पास हमारे साथ टाइम स्प्रेड करेंगे वो हमारे लिए कम है, इसलिए हम मांगते ही रहते हैं। बाकी जीतू क्या लगता है आपको कि आप कहाँ तक रहोगे सैमेंजर्स के साथ? सोचा तो मैंने था 10 साल, लेकिन 3 साल से काम कर रहा हूँ तो इच्छा, वो बोलते ना लालच, वो आ रहा है बस दिल में कि और काम करूं और काम करूं और काम करूं, और सीखना है और सीखना है। तो सीखते भी रहे हैं सर से और सीखते ही रहेंगे, और जब तक है तब तक सर से सीखेंगे। जीतू लालच वैसे बुरी चीज है, बट अगर सर के साथ जुड़े रहने की लालच है तो वो इसीलिए तो लालच बढ़ रहा है दिन पे दिन। और मैं चाहती हूँ सब जन को यही लालच लगे कि सर के साथ रहने की, सर का काम सीखने की। जो सैमेंजर्स में जो भी पढ़ाया जाता है ना, सच बताती हूँ कोई है ही नहीं, मतलब इतने बारीकी से पढ़ाना है ना सैमेंजर्स में। बच्चे भी सच में बहुत खुश है और हमें भी लगता है, और सर हमेशा पोर्शन जो है वो ऐड करते ही रहते, नहीं ये भी हम बच्चों को देंगे, नहीं ये भी पढ़ाना है, ये भी करना है, तो हमें भी बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि सर सामने से इतना सारा पोर्शन हमें भेजते रहते हैं, ये बच्चों को पढ़ाओ ऐसे करो, हमेशा अपग्रेड रहना हमें बोल देते हैं कि हमेशा अपग्रेड रहना और साथ साथ में अपडेट रहना, ये भी सर हमें बताते रहते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और क्या बोलोगे सर आप सैमेंजर्स के बारे में? और सैमेंजर्स के बारे में तो ये कहना है कि एक लाइफलाइन मिली है हमें और ये लाइफलाइन लाइफ टाइम तक रहेगी। यस, हम आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे जीतू, और हम सब मिलके पूरे इंडिया से जुड़े रहेंगे। जितने भी बच्चे हमारे पास सीखने हैं, हम दिल जान से जैसे सर और मैम पढ़ाते हैं उन्हीं के हम बोलते हैं ना अंश बोल सकते हो आप, हम वैसे ही है क्योंकि सर और मैम हमें इतनी एनर्जी डाल देते हैं, इतना प्यार डालते हैं, तो वो हम आप तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सर और मैम, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि थैंक यू, आप मुझसे तो हो ही, मुझमें तो इतनी एनर्जी डाली है और आपने हमारे अपने फैकल्टी में भी इतनी एनर्जी डाली है। अब हम बात करते हैं विशाल सर से। विशाल सर जो है वो है अमरावती से, वो खुद बताएंगे, उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, वो कितने टाइम से काम कर रहे हैं उनके बारे में भी पूछेंगे, सैमेंजर्स में काम करके उनको कैसा लग रहा है वो भी उनसे पूछेंगे, और इससे पहले वो कहाँ पे काम कर रहे थे वो भी पूछेंगे। तो विशाल सर कैसा लग रहा है आपको सैमेंजर्स ज्वाइन करके? सबसे पहले तो मैं सैम मैम और जस सर को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा कि आज उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं पुणे में आके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि उन लोगों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और सच में सर में एक बात है कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है तो पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी सर सोचते हैं स्टूडेंट के बारे में कि इस बंदे में कोई बात है, हर स्टूडेंट को सर
देखते रहते हैं, हर एकेडमी में सर का ध्यान रहता है कि कोई स्टूडेंट, मतलब हर कोई स्टूडेंट कैसे पढ़ रहा है, पर जिनमें कोई बात होती है तो सर उनको एक मौका देते हैं कि अगर आप करना चाहते हो तो फिर सैमेंजस के साथ जुड़ जाओ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं सैमेंजस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज इतनी बड़ी फैमिली है हमारी सैमेंजस की। और ये कहना चाहूँगा कि मैं इससे पहले अमरावती में मेरा एक सलून है, मेरा भाई मैं हम सब सलून में काम करते थे, और एक चाह थी कि प्रोफेशनल करना है, कोर्स करना है, लेकिन पता कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या पता कैसे मन ही मन में ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा मिल जाए कि जो हमें एक चांस दे कि प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट बनने का। कभी सोचा नहीं था कि हेयर ट्रेनर बनूंगा, लेकिन क्या पता एकदम से जैसे सर यूट्यूब पे वीडियो डालते रहते हैं ऐसे ही यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा और मन में आया कि एक बार करके ही देखूं कोर्स। लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारे थे, पैसे का प्रॉब्लम, कोई बोलता था 1 लाख लेते हैं, कोई बोलता था 2 लाख लेते हैं कोर्स के, तो टेंशन होती थी क्या करें। लेकिन जब सुना कि 30,000 में कोर्स मिल रहा है, वो भी इतना सारा कलर, केमिकल, हेयर कट्स और थ्योरी विद प्रैक्टिकल, तो मुझे तो इतना कुछ पता नहीं था कि इतना कुछ होता है। मैं सिर्फ गया था कि हेयर कट सीखना है, क्योंकि लेडीज में होता है कि हेयर कट आता है क्या, लेडीज का काम करता है, हर कोई यही सोचता है। तो मैं एक बैग लेके डायरेक्ट मुंबई चला गया। जैसे ही मुंबई गया, डोंबिवली में गया, डोंबिवली में जो भी हमारे ट्रेनर थे बहुत अच्छे से पढ़ाया। 3 महीने में पहले पहले लग रहा था कि ये जो थ्योरी पढ़ा रहे ये किस लिए, कभी तो मैंने 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ तो ये हेयर कट ये वो, तो कभी थ्योरी नहीं देखी है। लेकिन पहली बार थ्योरी देखी तो पहले तो पसीने छूट गए थ्योरी देख के। फिर जाके समझ में आया कि 3 महीने के बाद कि पहले थ्योरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है हर स्टाइलिस्ट के लिए। जैसे सैम मैम बताते हैं, अगर आपको थ्योरी पता है तो आप हर काम अच्छे से कर सकते हो। तो वहाँ जाके कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद में सर ने मेरे में कुछ बात देखी होगी जैसे जीतू सर ने बोला है, और सर ने बोला है कि फैकल्टी करके आप कर सकते हो क्या। तो वैसे भी मैंने सोचा था कि हेयर स्टाइलिस्ट तो कभी भी बन सकते हैं, लेकिन सर तो मेरे लिए भगवान है कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया और आज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में। और सर के साथ मतलब मिला तो बहुत बार था सर को, क्योंकि बहुत लोगों की ख्वाहिश है कि सर से एक बार मिलना है। वैसे मेरी भी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं मुंबई में ही मिला सर को, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में सर सेमिनार को आए, बारामती में हमारा सेमिनार था 10 अप्रैल को, तो सर ने हमें इन्वाइट किया जीतू सर को और मुझे। पहली बार मुझे सर के साथ काम करने का मौका मिला, पहली बार मैं सर के साथ स्टेज पे खड़ा था। पहले तो डर बहुत लग रहा था, लेकिन जीतू सर वंदना मैम इतना सपोर्ट करते कि अरे डरना नहीं है सर, मतलब बहुत अच्छे, कोई बोलता है कि सर बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट नहीं है सर, बहुत सॉफ्ट है। अगर उनके साथ रहेंगे ना तो ऐसा लगता नहीं है कि मतलब सर इतना स्ट्रिक्ट होंगे, कोई भी बोलता है कि सर मतलब स्ट्रिक्ट है ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, बहुत समझाते हैं और बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। उनका मोटिवेशन तो ऐसा है कि एक दिन बारामती में सेमिनार किया, दूसरे दिन हमारे यहाँ पुणे में सेमिनार हमने जो भी था वंदना मैम ने ऑर्गेनाइज किया था, उस सेमिनार में सर के साथ तो ऐसा फील ही नहीं हुआ मुझे कुछ डर ये वो कुछ नहीं, बहुत अच्छा फील हुआ। और सर और मैम हर बार उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं। पहले तो बहुत सारे मोटिवेशन देखता था यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर के, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सैम मैम जस सर का आशीर्वाद हमारे साथ है और वंदना मैम है जीतू सर है, तो बहुत अच्छे से लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सैमेंजेस को ना कभी छोड़ू ही ना, मतलब लाइफ टाइम जुड़ा रहूँ और जुड़ा रहूँगा, बस सर का ऐसा ही आशीर्वाद हमारे साथ रहे बस। और एक बात मतलब ऐसी कि जैसे ना सर स्टेज पे काम कर रहे थे और जीतू सर और मैं सर के साथ में थे, लेकिन सर ने बारामती में दिन भर सेमिनार किया, वहाँ पे हम भी सर के साथ थे, लेकिन कैसा हमें तो थोड़ा थका हुआ महसूस हो रहा था दूसरे दिन, लेकिन सर इतने इतने लोगों के सामने वैसे ही एनर्जी के साथ स्टेज पे काम कर रहे हैं, वो भी बिना पानी बिना खाने के सर एकदम काम कर रहे हैं। तो मैम ने क्वेश्चन किया सर को कि सर आप इतना सारा मतलब कंटिन्यूअली काम करते हो, आप थकते नहीं होंगे। सर ने बोला है कि इन लोगों की एनर्जी है ना हमारे साथ, मतलब इस बात पे एक ही बात कहना चाहूंगा, जिनमें सपनों की एनर्जी होती है ना उनको बीमार होने का भी टाइम नहीं मिलता। देखो ऐसे ऐसे ट्रेनर और ऐसे ऐसे बंदे हैं सामंजस में जो बनाए हैं सर ने और मैम ने,
तो मैं उनका सच में तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक्स बोलती हूँ। मतलब हमेशा बोलती रहती हूँ कि शब्द ही नहीं है कि ऐसे ऐसे ट्रेनर बन रहे हैं यहाँ पे ऐसे। और ये भी बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने भी पुणे में हमारे और ट्रेनर बने हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो सांगवी में पढ़ा है, जो सांगवी में कोर्स करता था, वो बंदा आज नासिक में पढ़ा रहा है। स्वारगेट के दो बंदे हमारे जो है वो एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, हमारे फैकल्टी बने हैं, हमारे सामंजस्य का एक हिस्सा बने हैं। एक नाम है उसका नितिन जो सांगली में पढ़ाता है, और एक अभी कार्तिक जो एक हफ्ते भर से जा रहा है नागपुर में। तो ये जो बंदे हैं ये भी इतना अच्छा सामंजस्य में काम कर रहे हैं। ये सब जो काम कर रहे हैं ये सब सर और मैम की जो एनर्जी है, जो दुआ है, उनका जो मोटिवेशन है, उसी वजह से हम सच में काम कर रहे हैं और एक टीम बन के काम कर रहे हैं। फिर से एक बार सर को और मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, हमारी खुद की एक पहचान बन रही है सर और मैम के साथ, हमारी खुद एक पहचान बन रही है। तो हम सबकी तरफ से सर और मैम को थैंक यू। थैंक यू सर मैम जस्टर।